फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपसे दूर जाने के बाद भी वो आपसे दूर नहीं जा पाता। आपके ख्यालों में हमेशा रहता है, आपके दिमाग में हमेशा रहता है। देखिए, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ में कोई दूसरा आ जाए, लेकिन जो फीलिंग आपने उसके साथ फील की होती है, जो उसके साथ जो बात होती है, वो दोबारा नहीं आ पाती। आप चाहकर भी उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, वो आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहता है। देखिए, हो सकता है कि आपका उस इंसान से कोई कांटेक्ट ना हुआ हो, आप उससे बहुत दिनों से मिले ना हो, आपकी कोई बात ना हुई हो, फिर भी कभी कभी क्यों वो आपके सपनों में आज भी आ जाता है? क्यों उसके सपने आज भी आपको आ जाते हैं? आखिर सपने आपसे क्या कहना चाहते हैं? क्यों वो आता है आपके ख्यालों में? देखिए, कहते हैं ना, वक्त हर चक्कू को भर देता है, समय हर चीज को ठीक कर देता है। हो सकता है आप उसे भूल चुके हो, आपने उसे बहुत दिनों से याद भी ना किया हो, फिर भी अचानक से हो सकता है वो आपके सपनों में आ जाए। देखिए, मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको एक क्लियर करना चाहती हूँ, मैं जो बात कर रही हूँ ये मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो पहले एक दूसरे से मिल चुके हों, जिन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया हो, जो एक दूसरे से ट्रू लव करते हों, जो एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड हों, जो जिनका सोल कनेक्शन रहा हो, यहां तक कि जो शायद पहले जब एक साथ थे तो एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझते हो। मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूं। तो मैं आज आपसे ये बात करने जा रही हूं कि क्यों वो इंसान जो बहुत पहले आपसे अलग हो चुका है, जैसे आप बहुत दिनों से नहीं मिले हो, फिर भी आज भी आपके सपनों में कभी कभी आ जाता है, क्यों आते हैं उसके सपने आपको, और वो सपने आपसे क्या कहना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको उसके सपने क्यों आते हैं और वो सपने आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक वजह तो ये हो सकती है कि हो सकता है आप पूरा दिन उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, पूरा दिन वो आपको दिल और दिमाग पे छाया रहता है, आप अपने मन से उसके ख्याल नहीं निकाल पा रहे हो। तो अगर ऐसे में आपको उसके सपने आते हैं तो इस वजह से आ रहे हैं कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, और जब आप पूरा दिन उसके बारे में सोच रहे हो तो रात को आपको उसके सपने आना स्वाभाविक है। वो आपको उसके सपने आएंगे, क्योंकि जो आपके दिमाग पे दिन भर चल रहा है वो रात को भी आपके दिमाग पे चलता रहता है, इसलिए आप उसके सपने देख सकते हो। दूसरी वजह ये होती है कि जब आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आप अपने काम में बिजी हो, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, फिर भी अगर उसका सपना आपको आता है, कभी कभी तो आप उसका सपना देखते हो और सुबह आपको कुछ नहीं याद रह जाता, केवल वो इंसान याद रह जाता है कि हाँ, आज मैंने उसे देखा था, और सपने में कुछ भी नहीं याद होता। और कभी कभी आपको सपना याद भी रहता है, आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, आप पूरा दिन अपने काम में बिजी हो, अपनी लाइफ में बिजी हो, फिर भी अगर कभी कभी आपको उसके सपने मिल रहे हैं, तो ये क्लियर साइन है कि वो इंसान आपको याद कर रहा है, उसका सबकॉन्सियस माइंड आपके सबकॉन्सियस माइंड को वाइब्रेशन भेज रहा है, इस वजह से आपको उसके सपने आ रहे हैं। और ये रोज नहीं होंगे, हो सकता है कुछ टाइम छोड़ छोड़ कर आपको उसके सपने आए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए वो इंसान आपको याद कर रहा है। ये जो मैं बताने जा रही हूँ, ये जो रीजन है, ये उन लोगों के लिए जो सच में एक दूसरे से बहुत ज्यादा सोल से कनेक्टेड होते हैं, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, उन्होंने एक दूसरे से कभी ट्रू लव किया होता है, वो किसी वजह से अलग हो जाते हैं, कोई मजबूरी या कोई भी वजह हो, अगर वो पार्टनर आपका अलग हो जाता है, तो ऐसे में जब वो इंसान आपके बारे में सोचेगा तो आपको सपने आएंगे, जब वो आपको याद करेगा तो आपको सपने आएंगे। लेकिन जब सपने में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपसे अलग हो रहा है, वो आपसे दूर जा रहा है, अलग वो अब भी आपसे दूर है, लेकिन जब आपको सपने में ये चीजें दिखने लगे कि वो आपसे अलग हो रहा है, आपसे दूर जा रहा है, तो समझिए वो इंसान सच में आपसे दूर जा रहा है। वो भले बॉडी से आपसे दूर हो गया हो, लेकिन उसके मन में थे आप, वो अभी भी आपको याद कर रहा था। लेकिन जब वो इंसान आपको सपने में ये देखे कि वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, तो समझिए वो इंसान सच में आपसे दूर जा रहा है। भले वो बॉडी से दूर हो गया था, पर मन से वो आपको आज भी याद कर रहा था, आप आज भी प्यार कर रहा था। और जब इस तरह से चीजें होती हैं, जब दो लोगों का इस तरह का कनेक्शन होता है, तो ये साइन आपको यूनिवर्स देता है कि वो इंसान आपसे दूर जा रहा है। आपकी कोई भी चीज उसे बुरी लगी हो या कुछ भी हुआ हो, पर वास्तव वो इंसान सच में दूर जा रहा होता है, मन से दूर जा रहा होता है, और ये चीज आपको सपने में दिखाई देगी। और सब ऐसे सपने आते हैं तो इग्नोर ना करें, क्योंकि वो इंसान सच में आपसे दूर हो रहा, भले वो आपसे बॉडी से दूर हो चुका था, लेकिन मन से वो आज भी आपको याद करता था, आपके करीब था। अगर इस तरह के सपने में साइन मिलना है तो इनको इग्नोर ना करें, वो इंसान आपसे सच में दूर हो रहा, और ये साइन आपको यूनिवर्स दे रहा है।
देखिए कभी कभी आपके सपने भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बस आपको उनका मतलब समझना होगा। देखिए जो मैं ये बता रही हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सच में कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, सच में ट्रू लव करते थे। ऐसे एक तरफा प्यार में ये सब चीजें नहीं होती हैं। जब दो लोग एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, सोल कनेक्टेड होते हैं, ये सारी चीजें तभी होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसे लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।